वो दिन कुछ अलग थे, वो उम्र कुछ अलग थी। वो उम्र वो थी जब हम लोग दिल से सोचना थोड़ा बंद कर देते हैं और कुछ हद तक दिमाग जो है ना वो हावी हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। इतना सोचने लगते हैं हम, और इन्हीं बीच कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें शर्मिंदा महसूस कराती हैं। सिर्फ एक बात जहन में आती है कि लोग क्या कहेंगे। यही कुछ सीन हुआ, नौवीं कक्षा में मैं था। मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, बहुत महंगा स्कूल था, तो नौवीं कक्षा में मैं था और फॉर्म आया और उसमें लिखा था कि फादर्स एनुअल इनकम। तो मैंने इधर उधर नज़र घुमाई, लोगों के फॉर्म में नज़र घुमाई तो कोई 10 लाख लिख रहा है, कोई 8 लाख लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। अब मैं क्या लिखूँ? अगर किसी ने देख लिया तो बहुत मजाक उड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा था कि बेटा झूठ नहीं बोलना, हाँ अगर मैं फॉर्म में झूठ लिख भी दूंगा तो सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी। तो मैंने उधर सच लिखा और चुपके से किसी को ना दिखाया और जाके टीचर को वो फॉर्म दे आया। जब वो फॉर्म वहाँ चला गया, मैं वो टीचर को वो फॉर्म दे आया, पर बात वो नहीं थी। बात वो थी कि उस फॉर्म से कुछ मुद्दे जुड़े हुए थे जो मुझे शर्मसार करते थे। मेरे पिताजी की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो मुझे हर साल एक नई ड्रेस लेके दे। मेरे पिताजी की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो मुझे एक नई साइकिल लेके दे। मेरे पिताजी की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो गाड़ी ले सके। मेरे पिताजी की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं किसी को बता सकूं। मेरे पिताजी की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं किसी को बता सकूं। ये मैं सोचता था। कुछ इंसिडेंट होते हैं जो लाइफ में मतलब कर देते हैं और बहुत कर देते हैं कि हाँ शर्मसार जो हुआ शायद सही हुआ। एक दिन पिताजी मुझे स्कूटर पे स्कूल छोड़ने जा रहे थे। मैं जब भी मेरे पापा मुझे स्कूटर पे स्कूल छोड़ रहे थे, मेरे दिल में एक ख्वाहिश होती थी कि कोई मुझे देखे ना, कोई मेरे क्लास का लड़का मुझे देखे ना मैं स्कूटर पे पीछे बैठ के आ रहा हूँ। और जब पर किस्मत हर रोज एक जैसी होती नहीं है, तो एक दिन किसी ने देख लिया। जब किसी ने देखा तो मैं क्लास में गया। उस दिन उस लड़के ने अपने दोस्तों से मेरा पूरा दिन मजाक उड़ाया। मैं घर गया, मैं बहुत रोया और मेरे जहन में एक सवाल आया, क्यों पापा, क्यों आप इतना कम कमाते हो? वो सवाल नहीं था, वो मैंने उस इंसान की मेहनत पे कीचड़ उछाला था। वो सवाल नहीं था, शायद मैंने किसी बेगुनाह को गुनहगार बताया था। सवाल नहीं था। पर कहते हैं जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो और यकीन दिलाती हैं कि यार शर्म कर रहा था ना सही था। वो 12वीं में 10वीं क्लास की शर्ट पहनना, क्योंकि नई शर्ट तो मिलती नहीं थी, चाहे छोटी थी फिर भी पहनता था। वो हर चीजों में एक नए जूते खरीदने को 10 बार सोचना, उस चीज़ को लेके बहुत मजाक बना। पर कुछ वक्त बीता और ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। ज़िंदगी ऐसी चीज़ है जो बहुत कुछ सिखा देती है। मतलब मैं जब कॉलेज की चार दीवारी में कदम रखा, तब मैंने थोड़ा सा कुछ खुद कमाना शुरू किया, तब मुझे वो मेहनत पता लगी। मुझे लगता था कमाना आसान है, नहीं, कमाना आसान नहीं है। और जब हम कमाते हैं तो हमें पता लगता है कि कितनी मुश्किल से पिताजी ने कितना कुछ किया होगा। शायद वो कुछ दिन भूखे रहे होंगे और मुझे इतने महंगे स्कूल में भेजा होगा, शायद ये चीज़ हुई होगी। और मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहा करते थे, शायद वो ये कहते थे कि बेटा पैसे के पीछे इतना मत भागना कि ईमानदारी को कहीं रेस में पीछे छोड़ जाओ। पैसे के पीछे इतना मत भागना कि ईमानदारी को रेस में पीछे छोड़ जाओ। वो बात मेरे जहन में तब आई जब मैंने कमाना शुरू किया। मुझे लगा कि इतनी मुश्किल से वो कमाते थे। तो ये कुछ इंसिडेंट थे। और उन्होंने एक बात और कही थी कि चाहे रुपया जो ईमानदारी से कमाया जाता है, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे वो 8 लाख हो, चाहे वो 1 रुपया हो, उसको बताने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। तो वही चीज़ थी, आज मुझे कोई शर्म नहीं है। आज अगर
मैं अपने आंगन के बाहर वो स्कूटर देखता हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरे पापा ने जिंदगी की आधी लड़ाई उसके ऊपर बैठ के लड़ी है। और सबसे बड़ी बात, आज अगर वो बच्चे मुझे मिल जाए जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आज वो फॉर्म ले आओ, मैं लिखूंगा, हाँ 1,20,000 मेरे फादर्स की एनुअल इनकम है। थैंक यू।